बीएसएफ जवान एजाज आलम अंसारी का पार्थिव शरीर शनिवार की देर शाम उनके पैतृक गांव बाजीतपुर बेलागंज पहुंचा। तिरंगे में लिपटे उनके शव को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। एजाज आलम अंसारी एक बहादुर बीएसएफ जवान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे श्रीनगर में तैनात थे और उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव बाजीतपुर बेलागंज लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग बीएसएफ और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एजाज आलम अंसारी 2010 में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे और अपने सेवाकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटे हैं। उनके निधन से उनके परिवार और समुदाय में गहरा शोक है, लेकिन साथ ही गर्व भी है कि उन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। रविवार की दोपहर बेलागंज के पड़ाव मैदान में बड़ी संख्या में बीएसएफ और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान उपस्थित रहे और जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके बाद एजाज आलम अंसारी को बाजीतपुर स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया।